हेलो एवरीवन, आज आपको बताऊंगा कैसे मैंने लुफ्थांसा से 47,000 रुपीज़ कमाए, वो भी बिना कुछ करे। पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट हो गया है, थोड़ी बहुत गलतियों की तो माफ करना। वो ये कि मेरी 29 अगस्त को फ्लाइट थी दिल्ली से, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू मॉन्ट्रियल। तो 8 घंटे की दिल्ली से थी, फिर 8 घंटे का स्टे, फिर 8 घंटे की फ्लाइट। तो 7:30 बजे करीब हम पहुंच गए थे फ्रैंकफर्ट। 2:15 पे फ्लाइट थी हमारी। तो 12 बजे के आसपास लुफ्तांसा की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि वी नीड सम वॉलंटियर्स, 10 वॉलंटियर्स, बिकॉज हमारी फ्लाइट ओवरबुक हो गई है। तो उस उनको हम 300 यूरोस देंगे। ऑफर तो बड़ा अच्छा था और फ्री के पैसे मिल रहे थे, तो कौन ना चाहे। तो बट हम तीन चार चार के जाने आए थे, तो बाकी दूसरे दूसरी कंट्री से थे, तो हम इंडियंस चार थे। तो ये ऑफर सिर्फ उनके लिए वैलिड था जिन्होंने सिर्फ मॉन्ट्रियल जाना था, जो जिनकी मॉन्ट्रियल से कनेक्टिंग फ्लाइट थी टोरंटो या कहीं और, तो उनको उनके लिए ऑफर नहीं था। तो था ये कि सिर्फ हमें आइसलैंड के तरफ से जाना था। तो जैसे हमने 4:20 पे पहुंचना था मॉन्ट्रियल, तो अगर हम आइसलैंड की तरफ से जाते तो हम पहुंचते 5:30 बजे। तो ऑफर सही लगा तो हमने एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमें टिकट्स बनाई। तो फिर उसके बाद हम जब जैसे हम टर्मिनल 2 पे थे, टर्मिनल 1 पे गए, तो वहां पे पुलिस खड़ी थी, द्वारा चेकिंग होनी थी हमारी। पहुंचे तो उनको अपना टिकट वगैरह था, तो वो कह रहे कि नहीं, आप नहीं जा सकते। हमने पूछा क्यों नहीं जा, कहते अब हमें वीजा चाहिए तभी हम आपको एंटर होने देंगे। तो वीजा तो उन्होंने दिया नहीं था, और मैं 2 बजे की फ्लाइट थी और एक तो पहले बज चुका था, पहले ही लेट चल रहे थे। तो फिर मैं वापिस आया, पूछा लुफ्तांसा सर्विस सेंटर से, हमें वो कह रहे कि वीजा चाहिए। तो चेक करा तो उनको क्या कि हमारी गलती है, जिसने बंदे ने मतलब मैं बुक करके दी थी वो आया, उधर से माफी मांगी, बहुत ज्यादा माफी मांगी उसने कि नहीं भाई सॉरी सॉरी। तो फिर उन्होंने हमें शाम के 6 बजे हमारी हमें बुक करके दी फ्लाइट एयर कैनेडा, और साथ में ऑफर करे 300 यूरो। मतलब 300 पहले ही कर रहे थे ऑफर, वो भी थे हमारे पास, 300 अब कर, 600 यूरो उन्होंने ऑफर करा। और उसका कूपन उसी वक्त उन्होंने हमें कूपन दे के फिर वहां पे ही हमें 600 यूरोस दे दिए थे। तो तब तो लाइक इतनी खुशी नहीं हुई। अच्छा, फिर हमारी 6 बजे फ्लाइट थी, तो हम 6 बजे फ्लाइट थी, तो कनाडा हम पहुंचे थे, मॉन्ट्रियल पहुंचे थे हम रात के 11:30 इतने बजे पहुंचे थे। तो 2-3 दिन बाद हमने वो एयरपोर्ट पे जब हम मतलब चेंज करवा रहे थे करेंसी, पहले हमने जर्मनी में पूछा, फिर पूछा इधर कनाडा में एयरपोर्ट पे ही, लाइक टोरंटो पे भी हमारी फ्लाइट स्टे थी, वहां पे हमारी स्टे थी। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद ही थी फिर कनाडा मनमोह यहाँ टोरंटो से इधर मॉन्ट्रियल। तो पहुंचे तो एयरपोर्ट पे वो सिर्फ हमें $740 दे रहे थे करेंसी एक्सचेंज का। तो एयरपोर्ट पे तो वैसे भी चीजें महंगी होती हैं। तो फिर बाहर आए, दूसरे दिन मैंने कन्वर्ट कराया तो 850 कनेडियन डॉलर्स गए, 850 कम नहीं होते इंडिया के 47,000। किया क्या, सिर्फ 3-4 घंटे ही हमने वेट करी, वो तो कुछ नहीं करा। तो इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, अगर किस्मत पे है बाकी। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले तो कभी भी मना मत करो, कभी भी, फ्री के पैसे है ना भी, वैसे भी हम कनाडा कमाने आए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट। आगे भी वीडियोस आएंगी हौली हौली, धीरे धीरे हम सुधारूंगा, थोड़ी हौली पंजाबी चलती है तो करूंगा इसको ठीक। अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू। अगर नहीं अच्छी लगी तो गालियां पक्का लिखना, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको।
सो डेट उस चीज को मैं सुधार सकूं और आपको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, कुछ भी अच्छी चीज. थैंक यू सो मच.